हैप्पी न्यू ईयर खुश हो गए हैं। पापा जी सारे मेरे फॉलोअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। इस साल इंशाल्लाह हम लोग हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करेंगे। खैर आज न्यू ईयर तो आज मैंने सोचा लेकिन अभी रात को होने वाले अभी हुआ नहीं है। सो आज मैंने सोचा है कि मैं एक ऐसा प्रैंक करूँ कि लाइक सब रोने लग जाए। मैंने एक बहुत ही अच्छा वाला सोचा हुआ है, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो ये इस साल का लास्ट प्रैंक होगा, तो इसको तो क्रेजी करना ही है। तो चलते हैं जाके पहले देखते हैं कौन कैसा कैसा तैयार हुआ है, फिर प्रैंक की तैयारी करते हैं। और पापा जी आप न्यू ईयर के लिए रेडी नहीं हुए कोई तैयारी? ये पापा की यही तैयारी है। मैंने ना आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, ठीक है? न्यू ईयर खत्म हो रहा है तो मैंने सोचा कि मैं आज का प्रैंक आपके साथ मिलकर करूंगी, तो आप एक्सेप्ट करते हैं? लेकिन मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए। ऊपर आपने आपका काम है, आपने ना वो ब्रेकर क्या होता है जिसे सारे घर की लाइट है, लाइट बंद करनी है ना। हाँ, और मैंने पता है क्या करना है, चुड़ैलों की आवाज़ें ही फ़ोन पे लगानी है कि हमने सारे घर वालों को डराना है। और आपने इस तरह कहना कि पुलिस को बुलाओ, हमारे घर पे किसी का कब्जा हो गया, ऐसे कहना कि भूतों का काला जादू हो गया, ऐसे ऐसे बातें करनी है। जादू के लिए पुलिस बुलाते हैं? नहीं, कहना वो हमने वो बाबा जी को बुलाया, हाँ जोगी बाबा को बुलाएंगे, ठीक है? बस ये आप में आज के मेरे यहाँ पे आज पक्का मेरा प्रैंक फ्लॉप नहीं होगा फिर, ठीक है? डन। खैर यार प्रैंक की जाए तो पहली, बट मुझे लग रहा है कि मैं ना अच्छी नहीं लगी। मैं ना शर्ट के नीचे एक फ्रॉक पहनती हूँ, बस मैं कब से करोड़ दफ़ा कपड़े चेंज कर चुकी हूँ, फिर से करूँगी चेंज। तो अब मैं ये शर्ट चेंज करके मुझे फ्रॉक पहन रही हूँ। मम्मा ये कैसे लग रहा है मेरा ड्रेस? हाँ अभी तो कुछ हो रहा था कि वो अच्छा नहीं लग रहा, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी उसमें, फिर मैंने वो चेंज कर लिया। मुझे फ्रॉक भी अच्छी लगी, ये कैसी लग रही है? हाँ पहले मेरा अच्छा लग रहा था, ये फ्रॉक से कूल लग रहा है, ये ज्यादा क्यूट लग रहा है ना। तो यार अब मैंने ये कर लिया कि मैंने जो फ्रॉक पहन लिया और साथ ये वाले जूते पहन लिए। ओके यार, तो न्यू ईयर होने में तो बहुत टाइम है, ये लड़कियां तैयार शहर होकर खड़ी हैं, तो हमने सोचा कहीं बाहर से कुछ खाना पीना खाते हैं या कि दोस्त को भी कुछ खिलाते हैं। ओ सॉरी ज़ैनब की दोस्त को, मम्मी घर में कुछ काम कर रही है तो मम्मा नहीं आ रही। मैंने फिश बनाई थी, नहीं ना खा रही हूँ, चलो जाओ आप। और हीरा भी माशा से भी रेडी नहीं, तो हम लोग कुछ खाने को ले आते हैं, साथ खा के आते हैं, चलो आ जाओ। चलो यार हमारी प्रो ड्राइवर फातिमा और हम निकल पड़े हैं खाना खाने। ये न्यू ईयर के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड है, जब होगा तो फिर। हाँ घर का बंद कर दिया, चलो। और यार हमारे लिए लोग यहाँ पर आगे बढ़े, यहाँ पे इतना रश है यार, वापस अंदर बैठो, यहाँ पे बहुत रश है, गाड़ी में बैठो वापस से। और यार फाइनली हम लोग यहाँ पर आए हैं, पता नहीं यहाँ पे आके क्या खाना है, कुछ समझ नहीं आ रही है, भूख तो लेके मुझे बहुत लग रही है, बट समझ क्या खाना है बताओ यार, पूरा रेस्टोरेंट खाली है यहाँ पे, कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा। हाँ यहाँ पे हमारी थोड़ी न्यू ईयर की गाइस पिक्चर्स अच्छी आ जाएगी। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी। और यार फाइनली हमारा खाना आ गया, ये 1 2 3 जल्दी से सारा खाना खा लो, इतनी भूख लग रही है ना यार। जैनब अभी इतनी ज्यादा, अभी तुम्हें और फैंस चाहिए, पागल हो? खैर कैसा लग रहा है हमारी तरफ स्लीप ओवर करके? ये देख रहे हो तुम बाहर घूम रही हो, स्लीप ओवर नहीं गई तो मम्मा को पता चल गया फिर उनको पता। अच्छा हो गया, जो हम लोग आए हैं, हम लोग पिक्चर्स के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं यार, कोई जगह नहीं मिल रही है कौन पिक्चर ले। मैं तो कहती हूँ इधर ही खड़े होकर ले लो, यहीं पे अच्छी आ जाएगी पिक्चर। इनको ना न्यू ईयर से ज्यादा ना पिक्चर लेने की टेंशन है, पिक्चर ले दो। तीनों लड़कियों को एक ही मसले है बस, यहाँ पे गाइस अच्छी आ सकती है वैसे हमारी पिक्चर। नाइस वाइब। क्या यार हमने खाना शाना खा लिया, अब चलते हैं, न्यू ईयर का वैसे भी टाइम होने लगा है, 11 ऑलरेडी बज गए हैं, तो जाके तैयारियां वगैरह भी करनी है, तो चलो चलते हैं। और वैसे भी आज एक सीक्रेट है, तो लेट्स गो। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं खा पी कर, अब करते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट, ये टाइम होने वाला है, सो लेट्स गो। ओके सो फाइनली 12 बजे में सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं, सो हम सब बहुत एक्साइटेड हैं न्यू ईयर के लिए। सो जल्दी जल्दी सारे वेट करो और बस काउंट डाउन स्टार्ट करो, क्योंकि न्यू ईयर होने वाला है। न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, फट रहे हैं। पापा जी अटक गया। मेरे ख्याल 3 ही थे। ये तो मेरा दिमाग है, ऐसे आइडियाज ऐसे आते हैं। गाइस फाइनली न्यू ईयर हो गया, अब बारी है। पापा जी आप रेडी हैं? ओके सो फाइनली न्यू ईयर हो गया, अब मैंने सोचा है प्रैंक जो हमने करना है, मैंने क्या करना है, मुझे चाहिए फोन पहला मम्मा का, तो अंदर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है मम्मा का फोन, ठीक है? अब मुझे चाहिए पापा का फोन, पापा के दोनों फोन लेकर आती हूँ, और दोनों फोन पे जो है ना मैंने लड़की के किसी रोने की चीखें लगानी है,
यार मुझे समझ, ऐसा करूँगी व्लॉग पापा के फोन में बनाती हूँ और चीखे अपने फोन में लगाती हूँ क्योंकि मेरे फोन की आवाज़ ऊंची है, और फिर मैंने पापा से कह के ब्रेकर नीचे करना, पूरे घर की लाइट्स बंद हो जाएंगी और ठीक है सब कहेंगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो जब ये सारे अंदर एंट्री मारेंगे ना उसके साथ केक कटिंग करने के लिए तब ये करूँगी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पापा जी आप रेडी हैं? मुझे जल्दी से आपके दोनों फोन चाहिए, जल्दी जल्दी अपने दोनों फोन मुझे दे दें। आपके फोन में किसी में ऐप है इन शॉर्ट की ऐप या नहीं? नहीं यूट्यूब वीडियो से लगा लूँगी। हाँ मुझे दूसरा फोन भी चाहिए, आपको दोनों फोन चाहिए। पापा के यूट्यूब पे चीखों की आवाज़ें लगा देती हूँ जो वीडियो इतनी लंबी हो जो कभी ख़त्म ही ना हो, ठीक है, और मम्मा के फ़ोन पे भी लगा देती हूँ और ये जगह जगह रख दूँगी अब। चलो यार ये जो वीडियो है ये हम लोग जो है ना स्पीकर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे और फोन कहीं छुपा देंगे। इसकी तार निकाल दूंगा। हाँ सारा ये इसकी तार निकाल दे, इसको हम कहीं छुपा, इसकी लाइट को कवर कर देंगे ताकि पता ना लगे इनको। हाँ ठीक है, इसको ब्लूटूथ से करना है, रुके जरा। यार हम लोग ये क्राइंग गर्ल ये लगाएंगे, देखो सुनो ओए ये सही है, परफेक्ट परफेक्ट। चलो पापा जी इसको जो है ना फोन, हाँ मेरे पास होगा, मैं बार बार चलाती रहूंगी छुपके छुपके से, बस सही है। यार पापा ने हाँ कैमरा बिल्कुल बंद कर दिया है, फोन मेरे पास है, अब हमने क्या करना है? पापा जी पता है आपने लाइटें कब बंद करनी है? अभी पहले ही कर दे लाइटें बंद। हाँ इसको, हाँ इसको छुपाएं कैसे लेकिन इसको, हाँ ये सही है। गाइस आज आज पापा मेरे प्रैंक में ऐड है तो आज का प्रैंक जो मेरा फ्लॉप नहीं होगा, बस सही। और आपको एक बात बताऊँ, जो जैनब की दोस्त है वो तो सबसे ज्यादा डरपोक है, उसको उसको तो डराने का मजा आएगा। सारी लाइटें बंद कर दो, सारी बंद कर दो, कोई भी बंद कर दो, सब बंद कर दो, ये भी बंद कर दे। चलो और LCD का स्विच भी उतार देंगे, बंद ही है ऑलरेडी बंद, और यहाँ पे भी ये वाली भी सारी बंद कर देते हैं। ये बंद है, देख लेना पहले मॉल देख लेना कैसा बना है। अब कैसे सबको कहें आ जाओ केक काटने? नहीं नहीं हम पहले बाहर जाते हैं और एकदम से अंदर आएंगे। पहले काम कौन करेगा? क्या ठीक है, आप कर देना, चेक कर ले। नहीं नहीं मैं बताती हूँ पापा जी, मैं बताती हूँ क्या करेंगे, मैं बताती हूँ। हम लोग दोनों बाहर जाते हैं आराम से, ठीक है, और फिर एकदम से अंदर आएंगे, कहेंगे ओ ये लाइटिंग क्यों बंद है ऐसे करके, और मैं फटाफट यूं करके ना मैं चला लूंगा, ठीक है आप चला देना, बस आप छुपा के रखें, आप पे कोई शक भी नहीं करेगा कि प्रैंक करें आप तो करें, बस ये ऐसे ही बाहर जाती हूँ मैं, ये नहीं शो करवाना कि हमने कुछ किया। ठीक है आप करें, मैं पहले जा रही हूँ, ठीक है। ये लड़कियां इधर बैठी हुई हैं और न्यू ईयर इनका हो नहीं रहा। हाँ जी ज्यादा गेम खेलनी है। कौन सी गेम? जैनब की, जैनब की ये क्या ये मुफ़स्सा, ये भी आई हुई है गाइस, मुफ़स्सा क्या कर रही हो? जैनब लोगों को एकदम मेरी फुल लुक तो दिखाओ जरा प्लीज यार। तुम्हें दिखाई, चलो यार फातिमा केक नहीं कट करना, सुबह दिखाई है राबिया भी, मेरी वो खराब हो गई थी, मैं क्या पहले लग रही हूं ना। हां पकड़ो, चलो गाइस केक नहीं काटना अंदर जाके, चलो फातिमा केक नहीं काटना, चलो 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 ए फातिमा, हेलो केक काटने की बजाय सारी बाहर आके पिक्चर लेने में बिजी हो गई हैं, केक कोई काट नहीं रहा है। मैं बच्चे आप ही ने काट कटवाना था केक, तुम्हें नहीं शायद टेंशन है। खैर न्यू ईयर तो अब खत्म, तो अब बच्चे फातिमा बच्चे फातिमा बच्चे न्यू ईयर की टेंशन नहीं है मुझे, है कि बस घर जाओ अब अंदर चलो, ये सारी गर्ल्स का न्यू ईयर खत्म हो गया, अब खाली रेस्ट करोगे। चलो आज तुमने हमारे घर स्लीप ओवर करना है? चलो यार वही लाइटें क्यों बंद है सारी? ये कैसी आवाज है? ये के? ओए मम्मा ठीक है, दिस इज नॉट सीरियस, स्पीकर में से आवाज आ रही है। कहाँ से आवाज आ रही है? लगता है इस चीज से पागल हो, मुझे ना लाइक स्पीकर ना से आवाज आ रही है, बंद करो इसे प्लीज, बंद करो। मैंने क्या, मुझे क्या पता, डर लग रहा है ना अबे, अल्लाह की कसम प्लीज बंद कर दो इसे, किसने चलाया? पापा किधर है? पापा जी स्पीकर में से कैसे आवाज आ रही है? ओहो यहाँ पे क्या हो गया? बंद करो, मुझे सच में बहुत बुरा डर लग रहा है। किसने की? ये कैसे आवाज आ रही है? एक मिनट स्पीकर में चलाया किसने लेकिन? मैंने मम्मा मेरे पास मेरे पास कुछ है ही नहीं। ये क्या हो रहा है? क्या हो गई रब्बी? ये लेकिन कौन, मुझे नहीं सुन सकती हूँ, ये लाइटें किसने बंद की थी? और पापा किधर है? पापा किधर है? बंद करो पहले। पापा जी शायद तुम्हारा प्लान चौपट हो गया। आज मैंने और पापा ने प्रैंक किया था आप दो सबके साथ। ये देखो पापा फोन पे लगा रहे थे पीछे से। वो डर गई, रोने वाली होगी पापा जी। नहीं हमें ताकि ऊंची आए थोड़ा अच्छा लगे है ना, लेकिन डरे ना दिल, डरा ना तुम लोग तो मैं न्यू ईयर का डेंजरस प्रैंक किया था, हीरापी की हालत खराब। अच्छा गिफ्ट दिया तुमने मेरे साथ, मैंने कहा एक फन करती हूँ, सबका रिएक्शन देखना था मुझे। फातिमा ना बदतमीज को पता नहीं पता चल जाता है।
इस दफा मैंने पापा हैवी पार्टी को अपने साथ ऐड किया था। चलो अब डांस होगा। उसका सदमा ही नहीं अभी तक निकल रहा। फिर आप भी क्या हो गया यार? इजी हो जाओ यार। एकदम से डरी है जब आवाज अचानक से आई। हया तुम्हारा क्या रिएक्शन था? डर गई थी? बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और तुम्हारा? मुझे हंसी आ रही थी वजह से हंस रहे थे बच्चे। पापा जी आइंदे को मेरे साथ और प्रैंक्स करने आपने, ठीक है? हीरा भी हमने रुला दी है, हमारी अब से जोड़ी हुआ करेगी। बहुत डर लगता है इसीलिए पापा और मैंने प्लानिंग की थी कि तुम सबके साथ हम डराने वाला प्लान करेंगे। थोड़ा बहुत हुआ है प्रैंक, लेकिन चलो अगली दफा हम और अच्छा लेकर आऊंगी प्रैंक। ये तो न्यू ईयर का छोटा सा प्रैंक था, नहीं ये बड़ा प्रैंक था मेरी तरफ से। वैसे मैंने हैवी पार्टी को पकड़ा था प्रैंक के लिए। मैं भी कहती इतनी डेक में चिड़ेले बोल रही है। फोन पे लगाना चाहिए था ना। हाँ ये गलती कर दी। अगली दफा ये भी छुपके करूंगी मैं। मुझे तो ऊंची आवाज आएगी तो मजा आएगा। इनमें से ये डरी नहीं, सिर्फ हीरा पे डरी है इस दफा। पापा बैठ के छेड़खानियां कर रहे हैं, कभी बारिश का साउंड लगा रहे हैं, कभी किसका। पापा जी आपका भी एक हथियार मिल गया, इसे आपने यूज करना है, ठीक है ना? ओ ये कितना मजे का। रुको दोबारा हॉरर पार्टी करते हैं। पापा ना जिन्नू बने हुए। डर लगा? यार मम्मा इसने मेरे सारे बाल खराब कर दिए। हाँ कोई नहीं करता। प्रैंक तुम सबके साथ कर लेती सिवाय मुझे छोड़ के। आप ही का तो करने का मुझे मजा आया। पापा को मजा आ रहा है, साउंड लगा के सुनी जा रहे हैं। हाँ मैंने खुद पापा ने पहले हमने एक और लगाई, पापा कहते नहीं 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 ये वही लगाओ, ये वाली। फिर हमने वही लगाई थी। ये तो मुझे फातिमा की आवाज लग रही है। फुल डांस सिस्टम बने। पापा का हो रहा है यहाँ पे। ये भी चैलेंज कर सकते, ग्लास ग्लास सर पे रख के कौन अच्छा नाचता है। वाह सारे नाचो यार आगे, न्यू ईयर है गाइस। ओके गाइस, सो होप्स कि आप लोग का व्लॉग अच्छा लगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन। एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस न्यू ईयर पे मैं कौन कौन सी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊँ। सुबह अल्लाह हाफिज़।